जबलपुर के रेलवे थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि रेलवे स्टेशन में चल रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के पास से लाखों के जेवरात जब्त किए गए। श्री यादव ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे स्टेशन चेकिंग के दौरान कंछेदी लाल राकेसिया उम्र 63 वर्ष निवासी गाडरवारा को जबलपुर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेश निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव एवं नवरात्रा पर्व के अवसर पर सघन चेकिंग के आदेश निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मंसूरी साहब, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमान लोकेश मार्को साहब के मार्गदर्शन में सघन चेकिंग अभियान प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा था। ये अपराधियों पे नज़र रखने के लिए मुखबिर तंत्र भी काफ़ी सक्रिय किया गया था और डॉग स्क्वाड तथा मेटल डिटेक्टर से चेकिंग चालू थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे अपने लिफ्ट के पास पकड़ा गया था। पूछताछ पर उसने अपना नाम कंछेदी लाल राकेसिया बताया था, जिसको थाना लाकर उसके सामान की चेकिंग की गई तो इसके बैग में एक थैला था, थैले में टिफिन बॉक्स रखा हुआ था। उसको निकाल के चेक करने पर टिफिन की दाल में एक पुड़िया थी और रोटी के डब्बे में एक पुड़िया में एक सोने का चैन और लॉकेट पेंडल जिसको कहते हैं रखा था। दाल में रखी पुड़िया को निकाल कर चेक कराया, उसमें सोने के 5 टुकड़े थे और इसको सुनार को बुलाकर तौल एवं टंच कराया गया था। तो जो सोने के टुकड़े थे वो 100 ग्राम 610 मिलीग्राम के पाए गए तथा जो सोने का लॉकेट था इसका वजन 3 ग्राम 90 मिलीग्राम था और जो सोने की चेन थी ये 11 ग्राम 970 मिलीग्राम का था। ये कुल कीमती 8,00,828 रुपये का पाया गया है। जो ये कंछेदी लाल जबलपुर में किसी आदमी से ये सोने का सामान लेकर गाडरवाला जाना बताया है।